नमस्ते दोस्तों, अभी हम सिंघिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं और एक लड़की के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिंघिया थाना के जो दरोगा हैं उस पर लड़की के साथ गलत व्यवहार करने का, रेप करने का आरोप है। लड़की नाबालिग है और लड़की के द्वारा अन्य लोगों पर, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार के लोग, माता पिता चाचा सभी लोगों पे आरोप है कि लड़की के साथ कह सकते हैं कि धंधा करवाते थे। ऐसा वीडियो, ऐसा ऑडियो, ऐसा पिक्चर वायरल हुआ है और लड़की के तरफ से मदद मांगी गई। अभी हमारे साथ लड़की खुद मौजूद है और इनसे बात करते हैं और डीएसपी साहब कार्रवाई के लिए तैयार हैं और पुलिस लाइन पर है, किसी भी वक्त यहाँ पर लड़की को बरामद किया जाएगा और आरोपी पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, ऐसा आश्वासन हमको मिला। अभी हम लड़की के पास पहुँचे हुए हैं और लड़की काफ़ी तकलीफ में लग रही है, लेकिन हम इससे बात करते हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी बोलिएगा सही बोलिएगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि विवेक से, न किसी का सिखाया हुआ न बताया हुआ, जो सच्चाई है वो चीज़ बोलिएगा, क्योंकि आपको अभी हजारों लोग देख रहे हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, उन्हीं के बात पे हम आप तक पहुँचे हैं इस बारिश में भींग करके। तो आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने मम्मी का नाम, ये सब नहीं बोलना है, सिर्फ आप बोल सकते हैं, नाम नहीं बोलना। तो हमको ये चीज़ बताओ कि वीडियो में तुम बोल रही है कि सिंघिया थाना के एक दरोगा हैं जो तुम्हारे साथ बार बार गलत काम करते थे, क्या नाम है उनका? थाना का एसआई मनोज कुमार। मनोज कुमार सिंह, वो कहाँ घर पे आके गलत काम करते थे? अच्छा, कब आते थे? कभी रात में, कभी दिन में, कभी। तो पहला आरोप ये कि सिंघिया थाना के एसआई मनोज कुमार पर लग रहा है कि दिन में, रात में जब भी मन होता था आकर के ये यहाँ पर गलत काम करते थे, इस लड़की के साथ गलत काम करते थे। गलत काम करते थे घर पर आकर के, तो घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बाबू मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं, तो इन लोगों को बोलती नहीं थी तुम? बोलो, डरो मत, बोलो। दिन सबको पता था, पता था सबको। हाँ। ये लोग मदद नहीं करते थे? नहीं। घर में आकर के किसी बच्ची के साथ अगर गलत होगा तो सभी लोगों को पता रहेगा कि क्या हो रहा है। इनका कहना है कि माता पिता इनको मदद नहीं करते थे। वहीं जो टेक्स्ट जो इनका ये वायरल हुआ है मदद में, उसमें ये बोला गया है कि पिताजी भी इनके साथ गलत काम करते थे। तुम्हारे पिताजी भी गलत काम करते थे? बोलो, नहीं। बोलो, नहीं। ऐसा सवाल है दोस्तों कि ऐसा सवाल पूछने से पहले और जो जवाब देने वाला उसका भी कलेजा कांप जाता होगा, तो मेरे हिसाब से ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए, ये जो प्रशासन का है उनसे पूछना चाहिए और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको नहीं पूछना चाहिए। और मूल रूप से हम इस लड़की सलामत रहे और पुलिस तक पहुंच जाए, मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। लड़की से कोई ये अनर्गल सवाल पूछ करके हम ये नहीं कर सकते हैं लड़की को, ये महिला थाना का काम है, उनका काम है पूछताछ करना जो भी आरोप है। इसीलिए हम इनको, अगर मेरे सवाल से कोई कठिनाई हुई होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। और निश्चित रूप से अभी लड़की जहां पर है, पुलिस को, डीएसपी साहब को सूचना दी गई है और ये किया जाएगा। और बहुत सारा आरोप है लड़की के ऊपर, तो जो लड़की ने आरोप लगाया है, तो जो भी आरोप है ये लड़की के तरफ से, ये प्रशासन को बताया जाएगा। हमारा काम दिखाना है और कहीं से भी हम कौन दोषी है नहीं है ये सब प्रशासन का काम है। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लड़की को न्याय मिले। और हाँ, सिंघिया थाना के जो एसआई हैं, और सबसे गंभीर मामला उन पर बनता है। अगर कोई घर का आदमी, बाहर का आदमी किया दोस्तों, तो वो एक बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन कोई कानून का आदमी जिसके हाथ में ये चीज़ बचाना है लड़की की इज्जत, उसके साथ अगर वही इस तरह का चीज़ किया है तो ये जघन्य अपराध है और हम सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर पुलिस प्रशासन उस एसआई को बचाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से ये बर्दाश्त से बाहर होगा और हम लोग वाच करेंगे कि पुलिस क्या करती है। और हम लोग इस बहन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से यह बहुत संवेदनशील मामला है और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों। पुलिस जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचे, यही है दोस्तों। और